सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई आज आप लोगों के बिजनेस स्टडीज बोर्ड्स के लिए पांच ऐसे ग्रुप ऑफ टॉपिक्स लेके आया हूं जिनको अगर आपने कर लिया ना 40-50 मार्क्स कहीं नहीं गए आप लोगों के। और सिर्फ टॉपिक्स बता के नहीं रह जाऊंगा, प्रॉपर लेक्चर्स भी दूंगा और इन पांच ग्रुप ऑफ टॉपिक्स के लिए बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स भी बना के लेके आया हूं जिनको अगर आपने कर लिया ना आपको मजा आ जाएगा। एंड वीडियो के एंड तक आते आते ना उन बच्चों के लिए जो और टाइम लगा सकते हैं इन पांच ग्रुप ऑफ टॉपिक्स के अलावा हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो अगर आपने कर लिए तो आपके 60-65 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी। तो प्रॉपर एक-एक चीज बताते हुए चलूंगा। ये रही हमारी एक्सेल, ये मिलेगी कहां? नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। पर एकदम भाग के मत जाओ, समझा दूं मैं जरा चीजों को, बिना समझे गए ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। ये रहे हमारे नोट्स, ठीक है, इनको भी अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। पर सुनो, एक एक चीज समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले ना मैंने आप लोगों के लिए पांच ही चैप्टर्स पिक करे हैं, इन पांच चैप्टर से हम एक एक चैप्टर से ग्रुप ऑफ टॉपिक्स कुछ उठाएंगे जिनसे आपके फॉर श्योर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले हमारा चैप्टर टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, टेलर के प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ टेलर प्रिंसिपल और फेयोल के प्रिंसिपल, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स आप जरूर कर लेना, आपके इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब सुनो, करने कैसे हैं ये भी मैं बता देता हूं। मैंने हर चैप्टर के वन शॉट डाले हैं, जिन चैप्टर के तुम्हें नहीं दिख रहे जब तक ये वीडियो आ जाएगी उसके वन शॉट डल जाएंगे। और सुनो, आप लोगों के स्पेशली सिर्फ चैप्टर के वन शॉट के साथ साथ ना यहां पे आपको प्रॉपर मार्किंग मिलेगी। जब आप अपने मोबाइल में देखोगे ना तो यहां पे मैंने टाइम स्टैम्प्स भी लगाए ताकि आप इधर उधर परेशान ना हो। तो ये देख रहे हो प्रॉपर टाइम स्टैम्प लिखे हुए हैं हर प्रिंसिपल के, हर चीज के, ठीक है। तो आप वीडियो स्किप करके सीधा ये पढ़ सकते हो, है ना। तो हमारे चैप्टर टू से हमने ये कर लिया। चैप्टर हमारा अब आ जाता है डायरेक्टिंग। चैप्टर 7 से क्या-क्या करना है? लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। उसके अलावा डायरेक्टिंग चैप्टर में उठाना मत कुछ भी, ठीक है। देखो, फुल मार्क्स लाने तो सब कुछ ही करना पड़ेगा, अगर 75 अबव टारगेट करो सब कुछ करना पड़ेगा। पर तुम लाना चाहते हो 50 अबव तो इन तीनों को उठा लो, ठीक है। ये आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैंने डायरेक्टिंग चैप्टर से आधा कॉन्टेंट हटा दिया, ये तीनों चीजें कर लो। अगेन लेक्चर्स में प्रोवाइड करो, नोट्स अभी दिखाऊंगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, ये दोनों कर लेना। फाइनेंस डिसीजन रहन देना, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में आपके फाइनेंस डिसीजन वाले सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आ जाते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आप कर लेना। उसके अलावा कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, ठीक है, ये सारे आपने डिसीजंस कर लिए, आपके भैया नंबर पक्के हैं इस चैप्टर में, बहुत तगड़े, ठीक है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स होता है हमारे इस चैप्टर में, जो कि हमारे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया, या फिर हमारा जो सबसे बड़े वाले फाइनेंशियल लेवरेज वाले न्यूमेरिकल्स है उनकी बात करूं तो देखो, अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है और तुम्हें समझ में आ रहा है तो कर लो। पर न्यूमेरिकल्स कम आते हैं बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में, पर जिस साल आते हैं ना 5-6 नंबर के बिल्कुल सरप्राइज वे में आ जाते हैं, राइट। तो आपको टाइम मिले, समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो इतना भी कर लिया तो तुम्हारे यहां से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो पूरा चैप्टर में से ना प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स और मार्केटिंग फिलॉसफीज, ये तीनों अगर तुमने कर लिए तो इनसे क्वेश्चंस अटकेंगे ही अटकेंगे। बाकी उसके अलावा जो बाकी चैप्टर की सब कुछ है, मार्केटिंग डेफिनेशन, फीचर्स, प्लेस मिक्स, उसके अलावा आपका क्या कहते हैं प्राइस के फैक्टर्स, राइट, वो सब कुछ ना आप देख लो, टाइम मिले तो कर लेना, बट इनसे तो क्वेश्चंस अटकेंगे ही अटकेंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का तो ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। 3 ट्रायल्स मशीनरी ऑफ रिड्रेसल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, ये तुमने कर लिया तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से नंबर पक्के हैं। अब ये वाले जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये भी आपको नीचे प्रॉपर टेलीग्राम लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बिजनेस स्टडी 75 पार पे। अब देखो, हमने यहां पे आप लोगों के लिए हर जो भी मैंने टॉपिक अभी मेंशन किया ना उसके प्रॉपर हेडिंग्स के, जो भी हेडिंग्स होती है उसकी आप लोगों की शॉर्ट फॉर्म्स बना के दे दिए हैं, निमोनिक्स दे दिए हैं, ताकि आप इजीली याद कर सको। और समझने की बात रही तो समझने के लिए लेक्चर्स तो मैंने प्रोवाइड कर ही दिए हैं। बट अब आ जाते हैं आपको, देखो मैंने एक तरीके से इन पांचों चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा दिए हैं। बट अगर आप लाना चाहते हो कि नहीं भैया 60-65 अबव लाने हैं
तो उसके लिए अब मैं हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा रहा हूं, सुनते जाओ ध्यान से। सबसे पहली चीज, आपके चैप्टर वन में से इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी से एक क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स आपने कर लिया, आपके क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। उसके अलावा देखो, एक क्वेश्चन आता है जो कि होता है कि आपको एक केस स्टडी दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है, बताओ आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये चैप्टर वन के अंदर टॉपिक आ जाता है, बट हाँ, कोई चैप्टर वन में स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता। अगर आपने इन पांचों चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है ना, तो आप इजीली निकाल सकते हो कि कौन सा है। बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लेना पांचों, और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इनसे क्वेश्चन फंसता है। और मेनली तो आपका डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से ही क्वेश्चन मोटा मोटा फंस जाता है, ठीक है। रही बात प्लानिंग की, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, यहां मैंने स्पेलिंग एरर कर रखा है, बट जो भी है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखो, टाइप्स ऑफ प्लान की बात रही, तो यहां पे ना आपको बहुत एफर्ट नहीं मारना, टाइम मिले तो कर लेना। एक मार्क का क्वेश्चन फंस जाता है, एक दो मार्क का, पर हाँ, अगर टाइम ना मिले और उस हिसाब से टॉपिक भी बहुत लेंदी है, तो चक्कर में मत पड़ना इसके। ऑर्गेनाइजिंग की बात रही, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों आपके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं बचता, क्योंकि डायरेक्टिंग चैप्टर में हम कम्युनिकेशन के अंडर कहीं ना कहीं उसके सिमिलर चीज पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टाफिंग की बात करें, तो आपका सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात रही, तो देखो एक बार नजर मार लेना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मेन तीन इन्हीं से ही आते हैं। रही बात कंट्रोलिंग चैप्टर की, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मार्केट्स की बात रही, तो देखो आपके पास अगर टाइम कम है, तो आपको ना सारा का सारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों के डिफरेंसेस पढ़ लो बुक से, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो मैंने पूरा इनडेप्थ लेक्चर कंप्लीट पढ़ाया है, और लगभग लगभग भाई 13 लाख रुपए का अपना पोर्टफोलियो तक दिखाया इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी की मार्केट की बात करें, अगेन पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंस के थ्रू समझ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। रही बात आपकी, उसके बाद स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग और डीमेटेरियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और सीबीसी तो एक क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें आपके ये दोनों चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना। इन दोनों में तुम्हें डिफरेंसेस अपने कर लो, डिफरेंसेस के थ्रू तुम्हारी पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने ये पांच ग्रुप किया, तो आपके 40-50 और बचे कुछ है, मैंने हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, तो आपके 60-65 और कहीं नहीं गए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने को मिलता है, सब कुछ मैं वहीं पे प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड बाय बाय।